सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो काफ़ी कॉलेजेस में जो तय फीस होती है उसे ज़्यादा फीस लेने का जो मामला है वो संज्ञान में आता ही है। उसी से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आई कि अवैध फीस वसूली से डीएलएड प्रशिक्षुओं में रोष। ये जो न्यूज़ है वो देवरिया की है। क्या है इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं। तो जिले के निजी डीएलएड कॉलेज में कथित रूप से हो रही अवैध फीस वसूली को लेकर प्रशिक्षुओं में जो है वो रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा का एक प्रतिनिधित्व मंडल सोमवार को जो है वो जिला अधिकारी अमित किशोर से उनके कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जो है वो मिला और जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है डायट प्राचार्य के नेतृत्व में कमेटी गठित कर इस मामले की जो है वो जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। ज्ञापन में प्रशिक्षुओं ने कहा कि भटनी के एक विद्यालय में अवैध फीस वसूल जो है वो की गई है। ना देने पर प्रशिक्षुओं को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। इस महाविद्यालय में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पहुंचने वाले छात्रों को भी कम नंबर दिया गया है। नंबर का हवाला देकर जो है काफ़ी जगह जो है डराया जाता है कि अगर आप उस तय की गई फीस को जो है वो नहीं देंगे तो आपके इंटरनल में नंबर कम कर दिए जाएंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। बात करें आगे तो जबकि प्रशिक्षण हेतु नियमित विद्यालय ना जाने वाले प्रशिक्षुओं को पैसा लेकर अधिक नंबर जो है वो दिया गया है। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है कि इस बाबत यहाँ जब कुछ प्रशिक्षु शिकायत करने पहुँचे तो महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक जो है वो भड़क उठे। शिकायत करने पर प्रशिक्षुओं को बंधक बनाकर जमकर मारा पीटा गया। महिला प्रशिक्षुओं को भी जो है वो प्रताड़ित किया गया। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि जिला के कई निजी डीएलएड कॉलेज के द्वारा प्रशिक्षुओं को आए दिन जो है वो धमकी दी जाती है। अगर किसी ने अवैध फीस वसूली के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की तो उसे प्रैक्टिकल में जो है वो फेल कर उसका जो जीवन है वो बर्बाद कर दिया जाएगा, जिससे कि जिले के सभी डीएलएड कॉलेज के जो प्रशिक्षु हैं उनमें भय व्याप्त है। ज्ञापन में जिलाधिकारी से ऐसे कॉलेजों की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है, ताकि डीएलएड प्रशिक्षु मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से जो है वो बच सकें। ज्ञापन सौंपने वालों में मोर्चा के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप कुमार, महासचिव अमित कुमार शर्मा, रत्नाकर प्रताप सिंह, रंजीत कुमार, प्रवीण कुमार यादव, सुमित यादव आदि जो है वो शामिल थे। ये समस्या जो है वो काफ़ी कॉलेजेस में जो है वो देखने को मिलती है कि काफ़ी जो बच्चे हैं जहाँ की जो छात्र हैं जो कॉलेज नहीं जाते हैं बिल्कुल भी, उनको जो है नंबर मिल जाते हैं पैसा देकर, जबकि डेली छात्र जाते हैं उनको भी जो है नंबर कम दिए जाते हैं। तो आपके कॉलेज में भी अगर ऐसा ही कुछ है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइए। तो यही था हमारी न्यूज़ में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।